आज हम सेजवान ढोकला बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने 200 ग्राम जितना बेसन लिया है, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी केवल कलर के लिए, और इसे हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। बेसन को हमेशा छान के ही लीजिए। 1 लीटर जितना पानी डालकर मैं स्टीम करने के लिए चढ़ा देती हूँ। 1/2 टीस्पून इनो पाउडर। मसाले हम कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि चिंकी सेजवान चटनी में सब मसाले हैं। मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मिक्स करते हैं। इस तरह का एक कंटेनर लिया है, उसे मैं ग्रीस कर लूँगी तेल से, इससे आराम से ढोकले निकल जाएंगे। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। ये बेटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे ऐसा पोरिंग जैसा होना चाहिए। टैप कर लेते हैं कि बबल्स निकल जाए। इसके ऊपर जो ये सेजवान का ऑयल है उसे हम केवल ड्रॉप कर देते हैं, जिससे इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। मेरा स्टीमर ऑन है, अब मैं इसे इसमें बिठा देती हूँ। 7 मिनट के लिए इसे हमें नहीं देखना है। अब हम इसे खोलते हैं। चटनी के कारण इसके ऊपर का कलर एकदम येलो एंड रेड आया है। ये बनके तैयार है क्योंकि इसमें क्रैक्स आ गए, इसे मैं नीचे उतार रही हूँ। अब हम तड़का पैन रखते हैं। 1 चम्मच केवल ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं सबसे पहले सरसों डाल रही हूँ, उसके साथ ही हींग चुटकी भर, तिल चम्मच भर के, ये बहुत अच्छा लगता है इसमें, और 10 कड़ी पत्ते। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना कम पानी इसमें डाल दीजिए। पानी डालने से ये ढोकले को ढोकला गले में नहीं लगेगा, सूखा नहीं होगा, ये अभी अंदर तक चला जाएगा। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इसे मैं धनिया से थोड़ा गार्निश कर देती हूँ। थोड़ा ठंडा होने देना पड़ेगा इसे। हम सर्विंग प्लेट पे ऐसे ही उलट देते हैं, जिससे ये शेप भी नहीं बिगड़ेगा। देखिए, पीस आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। इसके सभी तरफ से आपको चटनी दिखेगी। थोड़ी डेसिकेटेड कोकोनट, अनार और धनिया से गार्निश कर रही हूँ। चिंकी सेजवान चटनी इसमें डाल रही हूँ। यह मेरे सेजवान चटनी वाले ढोकले बनके तैयार।